बिहार चोणां दे रुझानां दे विच एनडीए नूं स्पष्ट बहुमत मिलदा नजर आ रहा है। 130 सीटां ते एनडीए अगे चल रहा है। अज दी अहम खबर ते नजर पा लैणे आ। आरजेडी दी अगवाई वाले यूपीए नूं रोजाना दे विच 105 सीटां मिलण दी आस है। भाजपा रोजाना दे विच 73 सीटां ते सब तो वड्डी पार्टी बनी है। 243 सीटां वाली बिहार विधानसभा दे विच जित दे लई 122 सीटां चाहीदियां ने। ये अज की एक अहम खबर से नज़र पा लें। एक वड्डी खबर से नज़र बिहार दियां चोणां दे विच रुझाना च एनडीए नूं स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 130 सीटां ते एनडीए अगे चल रहा है। आरजेडी दी अगवाई वाले यूपीए नूं रुझाना दे विच 105 सीटां मिलण दी आस है। भाजपा रुझाना दे विच 73 सीटां ते सब तो वड्डी पार्टी बनी है। साडे सहयोगी हरप्रीत बंदिशा साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਲਟੀ ਵੱਜੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। जी बिल्कुल, जेकर गल करी कि जिस तरीके से अज तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसने तो नज़र आ रहा है कि एनडीए जिहड़ा उत्थे सरकार बनाने जा रहा है। खास तौर पर सवेरे 10 बजे तो बाद जिस तरीके पलटे कि 130 के करीब इस टाइम एनडीए वे तो जिहड़ा आरजेडी वाला जिहड़ा गठबंधन जिहनूं महागठबंधन कहा जा रहा है वह भी 100 तो उपर चल रहा है। लेकिन सब तो बड़ा सवाल है कि अज जिहड़े नतीजे ने उन्होंने पहले आन दिता जाए, उस तो बाद तय हो पाएगा कि सरकार किवें बन जा रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिल रही थी कि अजे काफ़ी सारी जिहड़ी वोटिंग है वह बची हुई है। लेकिन वो ही एक बड़ा बयान थोड़ी देर पहला जो बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने बिहार के उन्होंने एक बयान आया कि ऐतकी जोड़ा सीएम है बिहार के बीजेपी तो होना चाहिए। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जोड़ा सीएम है बिहार का वह बीजेपी तो होना चाहिए। तो मनिया जाए कि यह जोड़ा बयान है ये पूरे इस गठबंधन के जिन्होंने एनडीए कहा जाता है वो एक समस्या बन सकती है। क्योंकि नीतीश को चेहरा रख के चुनाव लड़िया गया सी, नीतीश कुमार साढ़े सीएम होणगे इह गल लगातार कही गई। लेकिन जेकर हुण पार्टी दे ही एक विंग दा एक प्रधान इह गल कहे कि जिहड़ा कार्यकर्ता मंग कर रहे ने कि बीजेपी दा सीएम होना चाहिए तो इस दे मायने की कढ़े जाण कि मन्निया जाए कि फिर पिछली बार वांगू जे जिहड़ी नीतीश कुमार ने उह लालू प्रसाद यादव दे लड़कियां नाल जाणगे तो फिर तो अपनी सरकार बनाणगे या सरकार जिहड़ी उह एनडीए दी बणेगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे ने उसने एक चीज़ साफ है कि एनडीए जिहड़ा बढ़त बनाए हुए वे बिहार दे विच बिहार पॉलिटिक्स दे विच जो वायदे किए गए तेजस्वी वालों लगता है कि वो पूरे नहीं पा पाए। तो जो पिछले 4-3 टर्म तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे ने मनिया जाए कि जेकर वो चौथी बारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो चौका मारन जा रहे हैं अपनी इस राजनीतिक पारी दे जो चौथी बार मुख्यमंत्री होंगे। 4 बार मुख्यमंत्री होना अपने आप बड़ी वड्डी चीज़ है। लगातार वो मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं तो उदे विच जेकर उन्हां दी हार भी होंगी तो यह कहा जाता कि एंटी इनकमेंसी सी 15 साल तो सरकार सन, जाहिर तौर पर 15 साल की सरकार की एंटी इनकमेंसी हो भी सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का वापस आना कितना कितने संकेत है कि लोग जो बिहार दे विच एक डर आ रहा सी कि जेकर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो कितने लालू वाली मानसिकता ना काम चलिया तो बिहार फिर जंगल राज ना चला जाए, बिहार दे विच फिर तो उही फसाद डकैतियां अपहरण बलात्कार ओह जे मामले फिर तो सामने ना आउण। तो उम्मीद की जाए कि लोगों ने अपना चंगा सोच के ही वोट पाया। दूसरी अहम चीज़ कोविड के करके जो लोग प्रवासी जो मजदूर सन जो कामे सन जो वापस मुड़े तो बिहार सूबे वालों उन्होंने को खास मदद नहीं दी गई। उन्हों की हालत बहुत खराब रही, कई कई 100 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के पहुंचे, फिर उसे आगे क्वारंटीन किया गया, जो सेंटर क्वारंटीन किया गया उत्थे भी इंतजाम से भी सवाल चुके गए। तो उन्होंने हालातों के भी जेकर नीतीश कुमार जित के आते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर तौर पर यह गल कही जा सकती कि नीतीश कुमार मैजिक बिहार के विच हैगा। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि एक बार पूरी तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन रुझाना के हिसाब से बिल्कुल क्लीयर है कि एनडीए जिहड़ा बहुमत के नाल फिलहाल अगे चल रहा है। तो यह भी उम्मीद की जाए कि यह बहुमत जिहड़ा यही जो रुझान ने नतीजे जेकर बदलते हैं तो फिर सरकार जिहड़ी है एनडीए बिल्कुल बनाने जा रहा है। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं तमाम जानकारी साडे तक पहुँचाई।